अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई हैं, वहीं अब उनकी क्या तैयारी है इसके चलते उनसे बात की टाइम्स नाउ भारत ने क्या कहा उन्होंने सुनाते आपको। अपर्णा जी लखनऊ से, चलो कैमरा यहाँ रहेगा। अपर्णा यादव ने आज बीजेपी का दामन थामा है। अपर्णा जी क्या वजह रही कि आपने बीजेपी का दामन थामा? मेरे लिए हमेशा से राष्ट्र धर्म हमेशा सर्वोपरि रहा है। मैंने राष्ट्र के आराधना के लिए भाजपा को चुना है और मैं अपना जीवन राष्ट्र आराधना में ही समर्पित करना चाहती हूँ। जी जब आपने बीजेपी ज्वाइन किया तो आपने मुलायम सिंह जी से आशीर्वाद लिया होगा, क्या उनका आशीर्वाद आपके साथ है? बिल्कुल है, मैं परिवार से कोई विमुख थोड़ी ना हूँ। जी आपके लिए वो कैंपेन करेंगे, इस तरीके की बात नहीं है, पर उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। जी आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा, कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बीजेपी राष्ट्रवाद की बात करती है, वो जिन्ना प्रेम की बात करते हैं, आपको लगता है कि जो देश हित के मुद्दे हैं उनसे समाजवादी पार्टी विमुख? देखिए मैं पार्टी विशेष अपनी भाजपा के बारे में बात करूंगी, मुझे नेशनलिज्म की वजह से राष्ट्रवाद की वजह से ये पार्टी बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए मैंने ये पार्टी ज्वाइन करी है। और मैंने आपसे पहले भी कहा मेरे लिए राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, उसके बाद कुछ नहीं। आप चुनाव लड़ेंगी? जैसा पार्टी सुनिश्चित करेगी मेरे लिए वो शिरोधार्य होगा। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ में कौन आपको बेहतर मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार? देखिए हमारे पार्टी के जो कैंडिडेट हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी दोबारा सरकार बना रहे हैं और मुख्यमंत्री बना रहे हैं।